मतलब ये सब बात तुमको पता था टुने? हाँ, पता था। चाचा को तो जन्माष्टमी वाला दिन ही पता चल गया था कि बब्बू सिंह अच्छा आदमी नहीं है और वो तुमसे प्यार भी नहीं करता है। पापा, पापा रोइएगा नहीं, आपकी निमकी घर आ गई है, सब ठीक हो जाएगा। अरे और का चाचा, और का अब जो कुछ भी हुआ ना वो सब खत्म करो। चाचा आपने एकदम चिंता मत कीजिए, देखिए आपकी बेटी निमकी आपके पास आ गई है। झूठों का टेंशन लिए रहते थे कि हमारी निमकी का जिंदगी खराब होता जा रहा है, हम कुछ करिए नहीं पा रहे हैं, हम कुछ करिए नहीं पा रहे। देख लीजिए आपकी बेटी निमकी ना खुद से अपना लड़ाई लड़कर यहाँ पर आ गई, और अब तो एक दूसरे से कौन भी बात छुपाने का भी जरूरत नहीं है। तुम लोग हमको ऐसे कहाँ देख रही हो, कुछ गलत बोल दिए क्या? हम तुमको दीदी के बारे में सब कुछ पहले से पता था, फिर भी तुम हमको नहीं बताए। अरे निमकी हमको खुद बोली थी, बताओ निमकी, बताओ चाची को भाई। पापा को हमारे बारे में पता था तो ये काहे नहीं बताया हमको? आप हमको कसम नहीं दिए थे? मेन वक्त पर डायलॉग भूल जाते हैं, बोलिए ना, बोलिए। मुंह में गुलगुला दबाया, फिर भी हमको काहे नहीं बताए? हमसे छुपा इतना बड़का बात, इतना बड़ा राज हमने छुपा के रखे, तुमको शर्म नहीं आता है? चाचा सब किया धारा ना आपका है, हमको रही है सब। निमकी निका बैठती नहीं, हम कमजोर पड़ गए। नहीं पापा, गलती तो हमरा है, हमको हमारे पापा पर विश्वास होना चाहिए था, हम तो भूल ही गए कि हमारे पापा पूरा दुनिया से लड़ जाते निमकी के लिए। अरे ए भाई, आप लोग इतना टेंशन यहाँ काहे गए, जैसे कि हम कोनो दुखियारी बहू है, हम निमकी है, निमकी अभी हमारे पास एज भी है और हम मुखिया भी है। अरे फौरन दूसरा लड़का मिल जाएगा हमको। जितना आसान तुमको ये सब लग रहा है उतना आसान नहीं है। बब्बू सिंह, तेतर सिंह, वो हवेली का सब लोग तुमको इतना आसानी से नहीं छोड़ेगा बेटा। आगे का रास्ता बहुत मुश्किल है बेटा। टेंशन ना चाची, अब तो आप लोग को सब कुछ पता चल गया है, तो आप लोग तो है ना हमारे साथ, तो डर कैसा, अब हम हर एक चीज का अच्छा से सामना कर सकेंगे। सबके सामने सच आ गया निमकी जी।
और आज हमको पता चला कि आप कितनी बड़ी झूठी हैं। सब अच्छे से साफ कर, छावड़ी का एक को चीज नहीं रहना चाहिए अंदर। हाँ, उसका पूरा गंध भी मिटा दो कमरा से, है ना सासू जी? ए पर्वतिया, एक मिनट रुको रुको, देखो तो उका है नीचे, कुछ है का? हाँ, गद्दा के नीचे। चलिए अच्छा हुआ, कांटा खुदे निकल गया, खुदे चली गई। ससुर जी, सोचना तो अब भी पड़ेगा कि कहानी का बताना है, कहे कि उधर अब भी है जो आप सोच रहे थे। मालकिन, ये देखिए। जाके झाड़ू मार। सासू जी, आप पैर रखिएगा। अरे हिया, इसको लात से कुचल। तो क्या करना है जी जजी? अले साहब बताएंगे क्या करना है। अरे का करना है, गोली मार देना चाहिए उसको, यहीं रहने देते, रोज सुबह शाम पीटते उसको। अरे साले साहब, निकाल तो दिए ही है ना अब, पर अब भी समस्या खत्म नहीं हुआ है, अब भी वो गांव में है, लोग सब पूछेगा कि का हुआ है, कुछ तो बताएगी ना। और आपको क्या लगता है, क्या बताएगी? कि सब कुशल मंगल चल रहा है हवेली में। साले साहब, जब यहाँ पे भी लोग आएगा और पूछेगा कि हवेली की बहू कहाँ गई, तो क्या बताएंगे, वो सोचना तो पड़ेगा ना। ए बाबू, तुमको कौन रंग पसंद है रे? तुम्हारा कमरा रंगवाना है? जो रंग लगवाना है लगवाइए अम्मा, हमको फर्क नहीं पड़ता है। फर्क कैसे नहीं पड़ता है? तुमको उछौड़ी तुम्हारा कमरा से निकाली थी, आज हम उसको देखना हवेली से निकाल दिए। हम तो कहते हैं पंडित जी को भी बुलवा लेते हैं और पूजा पाठ भी करवा लेते हैं, है ना सासू जी? तुमको नीला रंग ना पसंद है, तब फिर से नीले रंग करवा देते हैं। वो कमरा से वो छौड़ी का नामो निशान मिट जाना चाहिए। बिल्कुल, हमको तो सबसे ज्यादा खुशी ये बात का हो रहा है सासू जी, कि अब से आप एकदम बेफिक्र रहेंगी, नहीं तो उन नीमकी के कारण हमेशा आपका बीपी बढ़ा रहता था। रमा जी, ऐसा करते हैं महाराज, चल के बाहर बैठते हैं आराम से, फिर बाद में सोचेंगे कि बाहर लोगों को का कहना है। और का? और देवर जी, आप भी आज रात को अकेला कमरा में बढ़िया पैर फैला के सोइएगा। अरे अंदर कहाँ लेके जा रही? धोनी, ले जाके बाहर फेंक, ना तो जला दे उछौड़ी का एक एक सामान जला दे। अरे दे, अब जलाने का क्या जरूरत है भाई, निमकिया को निकाल ही चुके हैं ना हम लोग, तो उसका कपड़ा लत्ता भी फेंकवाइए निकाल के। निकाले है वो तो खुद ही छोड़ के गई है ना ये हवेली। बाहर जाते वक्त बहुत खुश लग रही थी निमकी। एकदम सही बोल रही है, एकदम सही बोल रही, सबके सामने गई वो सीना ठोक के। और आप लोग हमको रोक लिए। ये
कितने दिन से आप पर जुल्म होता रहा और आप हर बात छुपाती रही हमसे। क्या बताई थी आप हमको? हवेली आपके कंट्रोल में है। अभिमन्यु बाबू, हम आपसे ये भी तो कहे थे जिस दिन हमसे नहीं होगा हम आ जाएंगे हवेली छोड़ के, तो आ गए ना हम। और इतना भी कोई टेंशन का बात नहीं है, अरे एकदम स्टाइल में छोड़ के आए हम हवेली, और बहुत सुनाए भी उन लोग को। यकीन नहीं हो तो जाके पूछ लीजिए, हुआ अभी तक ना हमारा आवाज गूंज रहा होगा पूरा हवेली में। हम काहे पूछेंगे उनको, काहे पूछेंगे उनको, उनसे हमारा कोई रिश्ता ना आएगा। हमारी दोस्त आप हैं निमकी जी, आप ही बोली थी ना कि आप हमको अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती हैं, तो फिर कैसे छुपा ली इतना बड़ा बात हमसे? आपके पापा को पता है सब, तुमने को पता है सब, हमको ही नहीं पता है, काहे? हम पापा को थोड़ी बोले थे भाई, और पापा वाले बात तुमने हमसे छुपाया है, और रात का सजा ना हम तुमको देंगे, मुझे तुम दोनों जाओ, हमको अपने दोस्त अकेले में बात करना है, जाओ। और आप स्वीटी दीदी को वहां अस्पताल में छोड़ के अकेला यहाँ आ गए हैं? मुंगेरी लाल जी है वहां, बात मत घुमाइए आप, हमरा बात कीजिए। आपको पता है कल रात ही स्वीटी जी कह रही थी कि उनको हमरी और आपकी दोस्ती का बहुत कदर है। अब कहां जाके बोलेंगे हम उनको कि आप हमको ई लायक भी नहीं समझी कि अपना प्रॉब्लम हमको बता सके। सब सुने हम अभी, पहले दिन से आपको पता चल गया था कि शादी गलत है, आपका इस्तेमाल किया जा रहा है, फिर भी आप हमारे सामने नाटक करती रही। हम उसी दिन आपको हवेली से लेकर आ जाते, क्या जरूरत था ये झूठा जिंदगी जीने का अब तक? अरे बोलिए कुछ। हम सोचे थे कि हम सब कुछ संभाल लेंगे, और जब हम सोचे कि आपको सच बता दे तो तब तक बहुत देर हो चुका था। दोस्ती का बीच में प्यार आ गया था, और हम जानते थे कि आप दोस्ती और प्यार के बीच में कंफ्यूज होकर स्वीटी दीदी का जगह हमारा हाथ थाम लेंगे। तो स्वीटी दीदी का क्या होता फिर बताइए? आप थक गए होंगे, आप जाइए घर, आराम कीजिए, हम अस्पताल चले जाते हैं, बाद में बात करेंगे ये सब के बारे में। स्वीटी जी की खुशी के लिए आप अपना जिंदगी, अपना सम्मान, सब कुछ दांव पर लगाई हुई थी, और हमको ये लिए नहीं बताई कि कहीं हम इतना छोटा कर दिया आप हमको निमकी जी। प्यार, अरे वो तो छोड़िए, हमको तो ये शक हो रहा है कि आप हमको कभी अपना दोस्त भी समझी के नहीं। क्या हुआ निमकी? वीडियो बाबू बहुत गुस्सा में लग रहे थे। अरे पहला बार गुस्सा थोड़ी हुए, थोड़ा देर में ठीक हो जाएंगे। लेकिन उनका गुस्सा भी तो जायज है ना निमकी, तुम्हारे साथ जो गुजरा है ना उसका ज्यादा दुख तुम्हारे अपनों को ही हुआ है, चाचा को, महुआ को, मोनू को, सब शायद जता नहीं पाते हैं, लेकिन दुख तो सबको हुआ है निमकी। छोड़ो ना टुन्ने, तुम कहाँ बात लेकर बैठ गए हो? अरे हम तो बस यही लिए खुश है कि हम आजाद हो गए हैं, सच ढूंढने, सच जो हो गया है सो हो गया है भाई, भूल जाओ, आगे का सोचो। एक मिनट, ये जो हमारा लॉकेट है ना, ये सोनार के पास ले जाना, और इसमें से बब्बू सिंह का नाम हटाकर हमरा पूरा नाम लिखवाना, नमकीन कुमारी।
ये सगुन का कंगन है। तुम खुश हो? पापा हमें खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है, पूछे मत। अरे हमरा बस चले ना तो सारा सामान पैक करके सीधा हवेली चले जाए। अभी हमरा शादी धूमधाम से होना चाहिए। कितना साल से हम शादी का सपना लेके बैठे हैं, अब इसमें कुछ कमी मत कीजिएगा। हम हवेली छोड़ के जा रहे हैं हमेशा के लिए। कम से कम अपना सम्मान को गिरने से तो बचा लिया होता। कहा भैया छोड़िए ना, कहा दिन से ही बात लिए बैठे। पर्वतिया के बोलने से कहा हो गया भैया? ये लीजिए भैया, आज जश्न मनाने का दिन है। वो नीम क्या को हम लोग हवेली से भगा दिए भैया। का भगा दिए लगा रखे हो? हाँ वो छोड़ के गई है अपना मर्जी से अपना सरहद पे, समझा कि नहीं? तुमको ये बेइज्जती नहीं लग रहा होगा लेकिन हमको लग रहा है। काका बोल के गई है वो घाटोला वाली। हाँ काका बोल के गई है, का औकात है उसका? लेकिन हमको, हम सबको औकात बता के गई है यहाँ से, और हम का किए? जाने दिए उसको, बात करता है। अरे साले साहब भूल जाइए ना महाराज। अब देखिए उन्हीं की यहाँ हवेली का चार दीवारी में का बोल के गई है, बाहर के को पता? सिचुएशन सही होता ना तो हम का जाने देते उसको। पहले से ही थाना कचहरी का मामला चल रहा है, एलियन छोड़ दिए, अब भूल जाए। ए साले साहब एक टूपेज बनाइए हमारे लिए भी, आज साले साहब के साथ हम भी चीयर्स मारते हैं। आप बस चीयर्स चीयर्स करते रहिए। अरे खुद में कुछ मर्दानगी बचा है? अपना खुद का बीवी तो काबू में रहता नहीं है, हमको समझाने चले हैं। साले साहब स्वीटी जी के ऊपर गोली तो हम भी चला सकते थे लेकिन हमें ये हवेली का ख्याल रहता है, ससुर जी के इज्जत का ख्याल रहता है। क्या मतलब है आपका? हमको बाबूजी का कोनो इज्जत का ख्याल नहीं है? हम ऐसे गोली मार दिए दीदी को? ए मारा, धीरे बोलिए जी। कोई गांव वाला आता जाता सुन लिया ना तो? का चाहते हैं? हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे हम। घाट टोला जैसे गई है ना छौड़ी, उससे हमारे बब्बू के मन को बहुत आहत पहुंचा है। नारो जी जो कुछ बोली है ना, इतना पर तो हम उसको कुट्टी कुट्टी काट देते। आज तक पूरा जिंदगी में हमरा मुंह पर तो कहा, पीठ पीछे भी कोई ये सब बात कहने का हिम्मत तक नहीं कर सका। आज ओकरे वजह से हमारा बेटी हमरा से दूर चली गई, हमारा बेटा टूट गया। दामाद जी, बैठो बैठो बैठो। दामाद जी जी वैसा कीजिए भाई, मामला खत्म करवाइए, उसके घर नोटिस भिजवाइए तलाक का, गांव वालों को हम समझ लेंगे। वैसे भी अब बचा का है, बताइए। नहीं नहीं ससुर जी, ये सब इतना आसान नहीं है, अभी लड़ाई नहीं है जंग बन चुका है, जंग लड़ना इतना आसान नहीं होता, एक एक कदम सोच समझ के रखना होगा। फिर बकना शुरू कर दिए ना आप। अरे गलत नहीं कह रहे महाराज, निंकिया ना हम लोगों को दलदल में फंसा के गई है, और दलदल में फंसा आदमी जितना हाथ पांव मारता है ना उतना ही धसता चला जाता है, उलझता चला जाता है। आपको क्या लगता है वो जज्बाती होके बोली है ये सब? नहीं महाराज, अरे बहुत सोच समझ के बहुत बड़ा राजनीति खेली है हम लोगों के साथ। हम लोगों को सबसे पहले
उसके पास से वो वीडियो को हटाना होगा, उसके बाद निमकिया पर वार किया जाएगा। ये बात तो सही कह रहे हैं वैसे जीजा जी, पहले वो वीडियो का कुछ करना होगा, फिर वो निमकिया के आसपास के एक एक आदमी को हटाएंगे हम, और फिर निमकिया वो भी याद रखेगी।